अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शानील और आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत लेकर आया हूँ जिसको बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये मुल्क के कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे कैंसर हैं जो मुल्क की रगों में दौड़ते हैं और अंदर ही अंदर जो है ना वो इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एज अ गेमर ये ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा अगर मेरी किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ टारगेट कर रही है, और एज अ पाकिस्तानी मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे मुल्क की जहाँ पे बात आ रही है, मेरे मुल्क की बका की बात आ रही है, जहाँ मेरे सब्ज़ लाली परचम की बात आ रही है, जहाँ मेरे मुल्क के फ़ायदे की बात आ रही है, और वहाँ उसके खिलाफ कोई खड़ा होता है, कोई भी ऐसा शख्स जो उसका दुश्मन बनने की कोशिश करता है, तो ना मैं उस बंदे को जलील करवाऊंगा सबके सामने, बल्कि जो है ना उस बंदे को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दूंगा। तो अभी कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने लेकर आए हैं और चलते हैं की तरफ। तो ये सबसे पहले वीडियो का मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो जो है वो आप सब जाकर देखें। डेली पाकिस्तान नाम का एक चैनल है, वहां पर उन्होंने एक वीडियो डाली जहां उन्होंने जो है दिखाया कि पबजी खेलने वाला जो प्लेयर होता है, पबजी जो एडिक्ट होता है, वो थोड़ा सा पागल हो जाता है साइकोलॉजिकली, और उसके पास जो है वो दिमाग नाम की चीज़ नहीं रहती और वो ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है। और वो सारी बातें जो इन्होंने की उसका मैं यहाँ पे जवाब दूंगा आज इस वीडियो में। आपको मैं 100% साबित करूंगा कि किस तरह से वो इंटरव्यू झूठा, फेक और स्क्रिप्टेड था, और उसके बाद जो डेली पाकिस्तान को लानते पड़ने वाली है ना, वो मैं आपके साथ मिलकर जो है वो बिल्कुल बराबर का हिस्सेदार हूँ। हम मिलकर जाएंगे डेली पाकिस्तान के पेजेस पे, हम मिलकर जाकर उनको लानते पेश करेंगे और उनको बताएंगे कि उन्होंने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान करने की कोशिश की है, और उनको जो है ना अब हम देखना किस तरह से जलील करते। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जो थर्ड ईयर में पढ़ता है और इसके साथ साथ पबजी का बहुत बड़ा फैन है। जब भी आप इसे देखेंगे तो ये पबजी खेल रहा होगा, और इसका मौकिफ यही है कि पबजी को बैन नहीं करना चाहिए। दोनों का मौकिफ लेंगे और गुफ्तगु का आगाज करते हैं कि कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं। भाई जो कह रहे हैं कि जी पबजी के बहुत बड़े फैन हैं, जी अच्छी बात है जी, पबजी के आप बहुत बड़े फैन हैं, बिल्कुल अभी हम देखेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अभी हम जो है वो पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो का मैं जवाब दूंगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जब मैंने देखा कि मेरे कजन्स वगैरह, मेरे रिश्तेदार, फैमिली में ज्यादातर लोग, हम अक्सर कहीं किसी के घर भी जाते थे तो वो मुलाकात की बजाय सारा दिन पबजी खेलते रहते थे। हाँ जी, जब इसने देखा कि इसके रिश्तेदार इसको वैल्यू नहीं दे रहे, जब जिस भी रिश्तेदार के घर पे जाता है उसको मुंह नहीं लगाते, इसको खाने का नहीं पूछते, इसने सोचा कि जिस काम में वो मसरूफ है वो मैं काम ही बंद करवा देता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सोचा आपने। घर के कोई काम हो, कोई उसे कोई काम कहे, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, और मैं बस 10 मिनट दे दे, मुझे 5 मिनट दे दे, मैं गेम खेलूं। अगर आपके रिश्तेदार घर का काम नहीं कर रहे गेम की वजह से, अगर आपके रिश्तेदार, आपके घर के लोग जो है वो आपकी बात नहीं मानते, आपको मुंह नहीं लगाते, तो आप उनकी गेम छुड़वाएं। आप उनको बोलें कि 2 से 4 घंटे खेलें, उसके बाद 6 घंटे खेलें, उसके बाद बंद कर दें गेम। इसमें हमारा क्या कसूर है? अब आप बताएं कि जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, जो इस गेम को एज अ कैरियर ट्रीट करते हैं, उसका क्या कसूर है? मुझे एक बात बताएं, कल को आपकी अम्मा जो है आप उन्हें कहते हैं अम्मा चाय बना दो, अम्मा कैसे कहती है बेटा मेरा फेवरेट ड्रामा सीरियल आ रहा है, आप ड्रामा सीरियल बंद करवा दोगे, आप टीवी बंद करवा दोगे। मेरे एक दोस्त हैं, उनके छोटे भाई थे, वो सारा दिन पबजी खेलते रहते थे, और इवन ये हुआ कि इसका रिजल्ट ये हुआ, आउटकम ये हुआ कि उनका मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए। ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे एक दोस्त ने इर्तुगरुल देखा, आज वो तलवार साथ लेके सोता है। ये तो वही बात हो गई कि मेरे एक दोस्त ने निंजा टर्टल देखा, आज वो गटरों में सोता है। और भाई अगर तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त अगर निंजा टर्टल देखने के बाद गटरों में सो रहे हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? डॉक्टर साहब ने यही हमें बताया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स, गेम्स, मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों से दूर करें, ये खेल खेल के इसके दिमाग पर इफेक्ट कर गई हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके रिश्तेदार किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा कि उस चीज़ को आपको कम करना चाहिए, उस चीज़ को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों की वजह से अक के तंग आके जब मैंने अपनी फैमिली में देखा, और कुछ लोग जो पेशेंट्स होते जा रहे थे साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहे थे। एक बंदा 10 पराठे खा रहा है, उसको कब्ज हो रही है, तो उस जाहिल के बच्चे को मना करो कि इंसानों की तरह खाए। जरूर है 10 पराठे खाना, जरूरी है 10 पराठे खाना भाई। अगर आपको कब्ज हो जाती है, नहीं आपका मैदा बर्दाश्त करता, तो आप ना खाएं इतना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रोटी बैन करवा दें, हम पराठे बैन करवा दें। 2000 में एक जापानीज फिल्म आई थी बैटल रॉयल, इस मूवी में जितने भी करेक्टर हैं सारों सबकी मौत हो जाती है, सिर्फ एंड पे एक लड़की बचती है। आप एक तो आपके साथी जो है वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, दूसरा आप जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक लड़की नहीं बचती, 3 लड़के बचते हैं, उनका मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, मेरे सामने उनका नाम भी लिखा हुआ है। एक का नाम होता है शुया, एक का नोरिको, और तीसरे का नाम होता है कवाडा। ये 3 लोग बचते हैं, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। जो भी इसका प्लेयर है वो बेरहम होता जा रहा है। नहीं, बच्चे गेम खेल के बेरहम हो रहे हैं। मुझे बताओ बचपन में घर घर खेल के आप में से कितने बंदे प्लम्बर बने थे? ये गेम देखो, ये मैं आपके सामने पिक्चर दिखा रहा हूँ, ISPR की गेम है ये, इसका नाम है द ग्लोरियस रिजॉल्व। 5 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं, 5 मिलियन डाउनलोड्स। पाकिस्तान में ये गेम आई और बाहर मुल्कों में भी आई, ये गेम इतनी नहीं चली। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि जी पबजी की कंप्लेंट्स आई थी, इस गेम की तो नहीं आई।
आपके मुताबिक पबजी जो है वो एक कत्ल का जरिया है, मतलब वेपन आपने सिर्फ तब तक बेचना है जब तक उस वेपन से कत्ल नहीं हो जाते, और अगर कत्ल हो भी जाता है तो आप कहोगे कि इस वाली गन से कत्ल हुआ था, इस वाली गन से नहीं हुआ, तो इस गन को बैन कर दो, बाकी गन्स बिकने दो। हम आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये मैं ऐप का लिंक दे रहा हूँ, इस ऐप का नाम है प्लेन सिमुलेटर, ये ऐप डाउनलोड करें और जाके सारे PIA में भर्ती हो जाएं, क्योंकि यही हो रहा है ना, गेम खेल के दहशतगर्द बन रहे हैं, गेम खेल के हम जो है वो इंतजार फैला रहे हैं, गेम खेल के हम लोग जहाज चलाना क्यों नहीं सीख सकते भाई, हम असला चलाना सीख सकते हैं गेम खेल के, हम बंदूकें उड़ाना सीख सकते हैं, हम जहाज चलाना क्यों नहीं सीख सकते। टोटल फेक एंड स्क्रिप्टेड वीडियो, इस बच्चे को आप देखें ये बार बार हंस रहा है, लाइक दो से तीन बार इसे जब सवाल किया गया ये हंसा है। 40 मिनट्स का इसका एक गेम का एक राउंड है जिसमें पॉज नहीं है, जिससे बच्चे जो है इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जिससे कि बुनियाद पे अदालत को कायल करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया जाए। कल को कोई पेडोफाइल बन जाएगा ना तो आप कहना कि उड़ारी की वजह से बना है, और ड्रामा इंडस्ट्री बैन करना, कल को ड्रामा देख के सुसाइड करने लग जाए ना, अपने अपनी महबूबा के भाई को कत्ल करे ना, तो कहना कि ये खानी की वजह से हुआ है क्योंकि खानी में ऐसा हुआ था, तो मेरे भाई फिर ये ड्रामा इंडस्ट्री भी बैन करो ना, तुम्हें सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री नजर आ रही है जाहिल के बच्चों। फ्री टाइम में कुछ इससे बेहतर भी किया जा सकता है, आप चाहते हैं कि नौजवान जो है वो मोटरसाइकिलों के टापे उतार के सलेंसर उतार के बैठ जाएं ऊपर लेट जाएं और शारे फैसल पे झूलते हुए नजर आएं, और क्या करें इसके अलावा नौजवान, क्योंकि जो उसका काम था जो वो घर बैठे आराम से कर रहा था वो तो आपने बंद करवा दिया। जरूरी तो नहीं है वो पबजी एक प्रोफेशन ही बना लिया है। पबजी इज अ फकिंग प्रोफेशन, पबजी इज अ फकिंग ई स्पोर्ट्स भाई, पैसे कमा रहे हैं हम लोग जाहिल के बच्चों। अब आते हैं हम उस प्लेयर की तरफ जिसको ये कह रहे हैं कि भाई ई स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा प्लेयर है, पबजी का बहुत अच्छा प्लेयर है, उस प्लेयर की तरफ आते हैं हम, शुरू करते हैं इसके प्रोफेशनल गेमिंग अकाउंट से। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि ये बंदा जिसकी बात की जा रही है कि पबजी का ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उस बंदे का लेवल ही 1 है, उस बंदे का आईडी लेवल ही 1 है। वीडियो के लिए स्पेशल जो है वो पबजी डाउनलोड की गई, वीडियो के लिए स्पेशल जो है वो पबजी का अकाउंट बनाया गया और सबके सामने जो है वो दिखाया गया, झूठ फेक और स्क्रिप्टेड वीडियो बना के, फेक और स्क्रिप्टेड कंटेंट बना के आवाम के सामने, पीटीए के सामने, जितने माँ बाप देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, उनके सामने एक झूठी पिक्चर शो करवाई गई कि पबजी को खेलने वाला पागल हो जाता है, पबजी को खेलने वाले का बिहेवियर देखें कैसा है, कि वो आगे से कह रहे हैं कि मेरी शादी करवा दो, क्योंकि वो ना प्लेयर पबजी का, आप उसको देखें जितने पबजी प्लेयर्स हैं, इतने गेमर्स हैं, उसके हाथों की मूवमेंट देखें आप इस वीडियो के अंदर, कहीं से लगता है कि वो गेमर है, वो तो पबजी प्लेयर तो दूर की बात, वो तो गेमर भी नहीं लगता, वो तो लगता नहीं कभी जिंदगी में उसने गेम खेली होगी। ऐसे अपना किसी भांजे भतीजे को बिठा के वहां पे मोबाइल पकड़ा दिया उन्होंने, उन्होंने कहा चल पुत्र आ जा, टेंशन ना ले, हम तेरे साथ हैं, कौन सा किसी ने पकड़ना है इस मुल्क में, कौन सा किसी को इंसाफ मिलता है, तो आप आ जाओ बिल्कुल वीडियो बना लेते हैं हम और ई स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं हम। तकरीबन 6 ममालिक में ये पबजी गेम बैन हो चुकी है, जिसमें ईरान, इराक, नेपाल, चाइना, जॉर्डन, न्यूजीलैंड। 6 ममालिक में पबजी बैन हुई है, अब जरा इनके नाम सुने, ईरान, इराक, नेपाल, चाइना, जॉर्डन एंड न्यूजीलैंड। फैक्ट्स पे बात आ गई है, फैक्ट्स पे तो आपको पता मैं घोल देता हूँ। अप्रैल 2019 में इराक में बैन हुई और उन्होंने वापस ऑन कर दी। 3 महीने पहले इराक का PMCO के मैचेस पड़े हैं, यूट्यूब के ऊपर जाएं देखें, लाखों रुपये इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने वहाँ पर इराक में। नेपाल में बैन हुई 10 अप्रैल को नेपाल में पबजी बैन हुई और 11 अप्रैल को खुल गई, क्योंकि उनको पता था वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लगाया है बैन लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबुनियाद करार दे के अगले ही दिन पबजी ओपन कर दी गई मेरे भाई, फैक्ट्स देखो फैक्ट्स। 4 जुलाई 2019 को बैन लगा था जॉर्डन में और 8 दिसंबर 2019 को बैन खुल गया था, क्योंकि इन्होंने भी अपना ई स्पोर्ट्स में बड़ा गर्क करवाया, इन्होंने भी अपना ई स्पोर्ट्स में नाम जो है वो डुबाया। और जहां तक बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड में बैन इम्पोज हुआ ही नहीं था, न्यूजीलैंड के अंदर पटिशंस दायर की गई थी, न्यूजीलैंड के अंदर कहा गया था कि आप इस बैन को लगाएं, फतवा दिया गया था एक मौलवी की तरफ से, लेकिन उसके क्योंकि न्यूजीलैंड में टेरर अटैक हुआ था उसके बाद जो है वो उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे सैयद सिद्दीक साहब, उन्होंने कहा था कि देखें जो टेरर अटैक हुआ उसकी वजह पबजी नहीं है, इसके पीछे मेन कॉजेज और बहुत सारी हैं जिनको हमने ढूंढने की ज़रूरत है, हम मेन कॉज की तरफ जाएंगे, हम किसी भी झूठ का सहारा लेकर अपने इस केस को बंद नहीं करेंगे, और उन्होंने पबजी को बैन नहीं किया था। तो ये सच बात करें, झूठी बात ना करें, आपकी हर बात झूठी है, आपका प्रोफेशन इतना अच्छा है, वकीलों वाला, इज्जत वाला प्रोफेशन जिसे
कह सकते हैं हम, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से वकला बदनाम होते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से वकला जलील होते हैं, और आप जैसे झूठे बंदों की वजह से जो है ना हमें कहना पड़ता है कि वकालत झूठी है, और वकालत जो है ना सबसे बड़ी जलालत की चीज़ है, क्योंकि आप जैसे बंदे वहां बैठे होते हैं जो सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए, सिर्फ चंद बैरूनी अनासिर जो है ना उनको खुश करने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और ई स्पोर्ट्स में और पाकिस्तान की हर हर इंडस्ट्री में आप जैसे लोग बैठे होते हैं जो बेड़ा गर्क करवाते हैं पाकिस्तान का। हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होना था, फ्री स्टाइल जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना था वर्ल्ड लीग के अंदर, रहमान ने जाके जब नाम रोशन करना था मिडिल ईस्ट के फोरम पे पाकिस्तान का, आप जैसे बंदों की वजह से पाकिस्तान में पबजी हो गई बैन, और आप जैसे बंदों की वजह से वकालत भी जलील होती है। ये मेरी बात याद रखना, मैं बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन आपने जो बात की है आपने हर बात झूठी की है। एक पूरा झूठा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू चलाया है जो मैंने आपके सामने हर वक्त हर बंदे के सामने प्रूव किया है कि उस बंदे का अकाउंट देख लें, ये कहते हैं कि हमारे सामने ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, जैसा इनके सामने ई स्पोर्ट्स प्लेयर था ना, जैसा इनके सामने प्लेयर था झूठा, वैसा इनके सामने वकील बैठा है झूठा, और वैसे ये खुद है झूठे। तो मेरे जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं ना, खुदा की कसम आप लोगों को जाकर जो है ना इस वक्त अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। इस वक्त आप लोगों ने जाकर जो है ना इन जैसे जाहिल और इन जैसे दो नंबर लोग, इन जैसे फेक और स्क्रिप्टेड लोगों को जाकर रिपोर्ट करना है, और इन जैसे लोगों को बैन करवाना है पाकिस्तान से। अभी जितने भी लोग देख रहे हैं जाएं डेली पाकिस्तान के पेज पे, जाकर जो है ना रिपोर्ट इनको मार के, इनको जलील करके, इनके कमेंट्स में को जलील करके कि इन बगैरतों की वजह से पाकिस्तान का इतना नुकसान हो रहा है। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान में, जो कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहा जाता है, पबजी ने जो है वो $7 बिलियन का रेवेन्यू कमाया पिछले 3 सालों के अंदर, जो कि इनका टाइम पीरियड था 3 साल में भी पूरे नहीं हुए, और पाकिस्तान को इतना अच्छा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी स्पोर्ट्स के अंदर, इन बगैरत के बच्चों ने क्या किया कि एक झूठा फेक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू चला के सारा का सारा काम खराब करवाया, और झूठ दिखाया कि पबजी खेलने वाला इस तरह साइकोलॉजिकली जो है ना पागल हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर। एक्सप्रेस न्यूज़ वाले कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए स्पॉन्सर चाहिए। ओ भाई, स्पॉन्सर कैसे मिलेगा? पाकिस्तानी टीम का स्पॉन्सर ढूंढने में पीसीबी को मुश्किलात, स्पॉन्सर कैसे मिलेगा? आप स्पॉन्सर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं मुझे बताएं? रेडबुल ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, पबजी ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, माउंटेन ड्यू ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया। इस हर साल माउंटेन ड्यू सीएस गो और डोटा के टूर्नामेंट करवाता था, इस साल माउंटेन ड्यू ने सारा का सारा 50 का 50, 60 का 60 लाख पबजी पे फेंक दिया कि भाई तुम कराओ टूर्नामेंट, सिर्फ पबजी का टूर्नामेंट हुआ और कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ। आप जाकर डिटेल्स देखें, लास्ट ईयर माउंटेन ड्यू ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवाए, इस बार माउंटेन ड्यू ने सिर्फ पबजी का टूर्नामेंट करवाया। बात करें आप अगर आके रेडबुल की, तो सीजन 3 में पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, आपने उनके इन्वेस्टमेंट को क्या किया? बेड़ा गरक किया उनकी इन्वेस्टमेंट का। अब आपकी टीम को स्पॉन्सर किस तरह से मिलेगा? फिर जब आप स्पॉन्सर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे किसी भी स्पोर्ट्स में, हमारे किसी भी, डेथ्स तो क्रिकेट में भी होती हैं, मेरे पास दो केसेस पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। एक बंदा, वो तो हमें सबको पता है कि किस तरह से वो एक क्रिकेटर जो है वो, उसकी डेथ हुई थी सबके सामने, इंग्लिश क्रिकेटर की डेथ हुई थी। एक बंदा पाकिस्तान का था जिसने सुसाइड कर ली थी, एक लड़का था कराची का, उसकी डिटेल भी आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, ठीक है? तो सुसाइड्स और खेल में होते हैं, उनको तो पता पाकिस्तानी इतनी जाहिल कौम है कि अगर इनके किसी स्पोर्ट में भी कोई भी मसला होता कल को तो ये बैन कर देंगे, तो फिर आपको स्पॉन्सर क्यों मिलेगा? उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर एक और बात करते हैं कि जियो न्यूज में एक आर्टिकल लिखा गया था। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि रेडबुल ने जो है वो स्पॉन्सर किया हुआ है अरसलान ऐश को भी, और रेडबुल ही स्पॉन्सर कर रहा है हमारी टीम फ्री स्टाइल को, जो कि पबजी की टीम है। उसके बाद हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है जियो न्यूज की। आर्टिकल में लिखा हुआ इन्होंने कि गेम का नाम ही गलत लिख दिया हुआ इन्होंने। भाई जिन बंदों को ई स्पोर्ट्स, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई न्यूज चैनल से कि ये ई स्पोर्ट्स की बात करेंगे? जिन बंदों को गेम का नाम ही नहीं पता, जिस पे इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है, सब लोग लड़ रहे हैं कि भाई इस गेम को अनबैन करो, उनको इस गेम का नाम ही लिखना नहीं आता, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है इस वक्त। जिन लोगों ने गेम का नाम ही गलत लिखा, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका ई स्पोर्ट्स नॉलेज कितना? ओके, अब बात करते हैं हम सुसाइड्स पे। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि सुसाइड्स कैसे हुई, मैं ये बात जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि, इतना जस्टिफाई करूंगा कि पबजी की वजह से नहीं हुई। तो यहाँ जो है वो आर्टिकल में लिखा गया है, ऊपर क्लियरली स्टेट किया गया है, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि सुसाइड इस वजह से की गई कि बच्चे ने अपना मिशन मिस कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ पबजी के मिशन होते कैसे हैं। रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है, आप उस गाड़ी में सवार हों, उस गाड़ी को 300 मीटर चलाएं, वापस आके गाड़ी जहां मर्जी खड़ी करें, आपका मिशन हो गया। इस मिशन के पीछे सुसाइड कौन करेगा? हमारे जो आईजी पंजाब हैं, उनको मैं कहता हूं कि ये वीडियो देखें, खुदा का वास्ता है, कान खोलें, अपना दिमाग खोलें। इस मिशन पे सुसाइड कौन करता है कि एक गेम के अंदर मैंने जाके बिना पैसों के, बिना किसी चीज के, गाड़ी में बैठना था और गाड़ी को 300 मीटर चलाना था और बस मिशन हो गया मेरा। ये होते हैं पबजी के मिशन। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, पबजी के मिशन 90 डेज के लिए, आपके पास 90 डेज का टाइम होता है, आपने 90 दिनों के अंदर पबजी के मिशन करने होते हैं, ठीक है? पहली बात।
अगर आप वो मिशन नहीं करते, 89 डेज लोग उस मिशन को नहीं करते, आखिरी दिन लोग बैठ के वो सारे 100 के 100 मिशन जितने भी होते हैं वो सारे कर लेते हैं, क्योंकि वो हो जाते हैं, वो इतने ईजी होते हैं कि आप 4 से 5 घंटे अगर एक दिन के दें आपने तो आपके सारे मिशन हो जाएंगे। उन मिशन पर सुसाइड कोई नहीं करता, झूठी फैब्रिकेटेड न्यूज, अनदर फैब्रिकेटेड न्यूज आपके सामने मैंने पेश की है अभी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, अब बात करते हैं हम यहाँ पे फ्री स्टाइल की बात करते हैं और पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स फ्यूचर की। फ्री स्टाइल को हमने कर दिया, पबजी को हमने कर दिया बैन, मसला नहीं है, पबजी को आपने बैन कर दिया कोई बात नहीं, नई गेम आएगी उसकी जगह ले लेगी। मैसेज क्या दे रहे हैं आप ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ई स्पोर्ट्स के, जो स्पॉन्सर कह रहे हैं, जो आपकी टीम को स्पॉन्सर कह रहे हैं, आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कह रहे हैं, उनको आपने क्या मैसेज दिया? उनको आपने मैसेज दिया कि हम बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, पूरी दुनिया जो है वो अकलमंद, सॉरी हाँ पूरी दुनिया जाहिल है, हम अकलमंद हैं, हम पबजी को बैन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे बैन नहीं है इस वक्त पबजी, जिन मुल्कों ने की उन्होंने पछता कर जो है वो अनबैन की, कि उन्होंने अपना नुकसान किया। हम पाकिस्तान में 2 साल पहले जहां पर थे स्पोर्ट्स में, आज हम वहां जा चुके हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि 2 साल पहले हमने जहां पबजी से शुरू की थी, जहां पाकिस्तान की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी, हम रो रो के उनसे कहते थे कि हमें सर्वर चाहिए, उन्होंने हमें तरले डालने के बाद सर्वर दिया और आपने बैन कर दी हमें। 2 साल पीछे लेके जाने वाले आप, हमारा नुकसान करने वाले आप। फ्री स्टाइल जो टीम है जिन्होंने जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था इंटरनेशनल फोरम पे, उनकी स्लॉट की बात करते हैं अब। आप ना सिर्फ अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप दुश्मन का फायदा कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन से आप समझ के मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम फ्री स्टाइल का स्लॉट ज़ाया होता है, अगर पबजी बैन होती है, तो स्लॉट जो है वो साउथ एशिया की टीम को मिलेगा, साउथ एशिया की जो 8th पे टीम थी उसको स्लॉट मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्लॉट हमें मिला था हमारे टैलेंट को देख के हमें दिया गया था, वो साउथ एशिया की टीम से लेकर दिया गया था। तो अब जब पबजी बैन होगी तो स्लॉट उनके पास वापस जाएगा, माशाल्लाह से आपके जो डैडी हैं वो खुश हो जाएंगे, तो आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, हमारा नुकसान करके अपने डैडी का फ़ायदा किया आपने। हमारी जो जिस भी तरह की इन्वेस्टमेंट थी, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ को छोड़ा, हमने अपनी लाइफ में जो है वो डिफरेंट चीज़ों को जो है मिस किया, हमने लाइफ का फ़न मिस किया, हमने पबजी को जो है वो प्रायोरिटी दी, हमने कह लें कि अपने कुछ रिलेशनशिप्स को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा हमें, तो हमने किया, तो वो सब वो मेहनत हमारी किस काम की, वो उसका अजाला कौन करेगा? सिर्फ एक सिंपल सा जवाब दें हमें। और इन जैसे नासूर, इन जैसे कौम के दुश्मनों को जाके सबसे पहले रिपोर्ट करें। आप सबसे मेरी गुजारिश है, जाएं अभी डेली पाकिस्तान के पेज पे, जाकर इन बगैरतों को रिपोर्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है इस वीडियो को शेयर करें, सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि आज अगर इन्होंने ई स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया है ना, तो कल ये किसी भी और इंडस्ट्री का उठ के बेड़ा गर्क कर देंगे, कल ये किसी भी और चीज़ का बेड़ा गर्क कर देंगे। इस तरह से अगर आज आप लोगों ने इन लोगों को बंद ना करवाया मुंह, अगर आज आप लोगों ने इन लोगों को चुप ना करवाया, तो कल को पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग कहते हैं ना कि हमें मीडिया क्यों नहीं फेवर दे रहा, हमें मीडिया जो है वो क्यों नहीं इस इशू को ऊपर लेकर आ रहा। 10 लाख एक्टिव यूजर है इस वक्त पबजी का पाकिस्तान में, 10 लाख ऐसे लोग हैं जो डेली पबजी को खोलते हैं, तो मीडिया क्या ये नहीं चाहेगा कि पबजी बैन हो जाए और वो जो आवाम जो कि पबजी खेलती थी वो वापस आए 200 वाली केबल के ऊपर, 300 वाली केबल जो लगवाए और जाके जो है वो फिर से टीवी ड्रामे देखे और इनकी रेटिंग ऊपर जाए, तभी तो हमारी किसी भी ट्रांसमिशन को, तभी तो हमारी किसी भी बात को कवर नहीं किया जा रहा। हम जो बात कहते हैं जब हम मेन पॉइंट पर आते हैं हमारी कॉल काट दी जाती है। आप सब गवाह इस बात के कि जब मैं बोल न्यूज पर गया तो मेरी कॉल काट दी गई थी। तो अब मुझे बताएं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। पहले तो हम लोगों को जाकर इन जैसे झूठे स्क्रिप्टेड और फेक लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए, बैन करना चाहिए, उसके बाद जो है वो हम लोग कोर्ट में जाएंगे और उनको बताएंगे कि जज साहब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, झूठी, बेबुनियाद, फेक और मनगढ़ंत, और इंशाल्लाह पबजी को अनबैन करवा के छोड़ेंगे। इस तरह की आज के बाद हुकूमत जो है ना वो गवाह हो जाएगी कि यूथ के सामने जो उन्होंने एक कह लेंगे यूथ की जो है वो एक गेम को इन्होंने बैन किया था और यूथ किस तरह एक होकर खड़ी हुई थी, क्योंकि अगर यहाँ जो है वो आज इन लोगों ने गेम को अनबैन नहीं किया तो हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे। इंशाल्लाह हमें जरूरत पड़ी, हम सड़कों पर निकलने की जरूरत पड़ी, हम सड़कों पर भी आएंगे, हमें इस्लामाबाद आकर अगर डी चौक पर धरना भी देना पड़ा तो हम जरूर देंगे। इमरान खान साहब, डिजिटल पाकिस्तान की बात तो आप लोग करते हैं बड़े शौक से, आप लोग तो कहते हैं हमने पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बना दिया, ये तो बिल्कुल वैसा डिजिटल पाकिस्तान है जिस तरह का लाहौर जो है वो पेरिस बनाया गया था नॉन लीग की तरफ से, एक दफा बारिश आई और पूरा लाहौर धुल गया, नीचे से पेरिस निकल आया, बिल्कुल वैसा डिजिटल पाकिस्तान आपने बनाया। लेकिन टेंशन ना लें, यही यूथ थी, मुझे अच्छी तरह याद है, अपनी नींद खराब करके इमरान खान साहब आपको वोट डालने गया था और मुझे पछतावे पे मजबूर ना कीजिए। मैं आज भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान साहब आप इस मुल्क को बचा सकते हैं, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क होता हमें नजर आ रहा है अगर इस तरह के डिसीजन लिए गए। यूथ को जो अपॉर्चुनिटीज आपने कहा था 1 करोड़ देंगे वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही, जो चंद हजार अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ रही थी, खुदा रहा उन अपॉर्चुनिटीज को बैन ना करें। हाथ जोड़ने वाली बात है कि ना करें इस तरह, अपने ही मुल्क का अपने ही हाथों से
से बड़ा खर्च कर रहे हैं आप लोग। जो चंद अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही थी, जो हमें कुछ हजारों नौकरियां मिल रही थी करोड़ की जगह जो कि आपने देनी थी, तो प्लीज उन नौकरियों को बंद मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद की, जिसमें है सोलो किंग भाई, महरोज कलीम, वकार भाई और अहमद गेमिंग, और इसके अलावा डिक्टेटर गेमिंग, प्रो स्क्रिम्स की सारी मैनेजमेंट। मेरी आवाज़, मेरा काम था आप तक मैसेज पहुंचाना, अब आपका काम है कि आप इस मैसेज को कितना शेयर कर सकते हैं और कितने लोगों को जो है ना वो हकीकत जो है वो दिखा सकते हैं कि असल में जो है वो क्या चीज़ किस तरह से पिक्चर की जा रही है, किस हकीकत को किस झूठ के साथ जो है वो जोड़ के दिखाया जा रहा है पब्लिक को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।